नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप हमारे YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन देख रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का पेपर होने वाला है उसका साइंस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट प्रश्नों को और उसके उत्तर लेके आया हूँ। ये जो प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में आपको अक्सर दो दो नंबर का पूछे जाते हैं, तो चलिए मैं उन प्रश्नों को और उत्तर को आपको फटाफट दिखा देता हूँ। इससे पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज भाई चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल का जो बटन है वो कर दीजिएगा ऑन, ताकि हम कोई और भी वीडियो लेके आए आपके किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड या इसी सब्जेक्ट से और भी कोई प्रश्न या कोई जानकारी लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए मैं वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नंबर वन प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। दूसरा प्रश्न देख पा रहे होंगे, इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है। एमीमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। विद्युत हीटर की तार किस मिश्र धातु का होता है। दृष्ट धारा के स्रोत का नाम लिखे। विद्युत विभव से क्या समझते हैं। रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है। आपने देखा ये किस तरह के वीआईपी प्रश्न है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के, जैसे कि ऊपर आपने देखा फिजिक्स का, तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री का देख पा रहे होंगे। रासायनिक समीकरण को किस नियम से पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। अगला अगर प्रश्न देखते हैं आप, तो आप देख पा रहे होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या क्या है। ये सारे वीआईपी प्रश्न है जो कि बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वही मैंने संग्रह किया। ये देखिए बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट दो दो नंबर के प्रश्न है वो देखिए, किण्वन किसे कहते हैं। रक्त के प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। प्रास्थितिक तंत्र में दो घटकों का नाम लिखिए। हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है। फल पकाने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। ओजोन क्या है। ये सारे वीआईपी प्रश्न है और ये प्रश्न जो है बहुत सारे हैं। इतने सारे प्रश्न है जो कि बिल्कुल वीआईपी प्रश्न है सारे के सारे और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसके उत्तर आप ये देख पा रहे हैं। देखिए ऊपर आपने प्रश्न देखा था फिजिक्स के, उसके उत्तर है ये जो आपने प्रश्न देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपने जो पहला प्रश्न देखा था, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आपने ये प्रश्न देखा था वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो इसका उत्तर जो है आपको नीचे यहाँ पे मिल जा रहा है। थोड़ा सा नीचे आइएगा, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब है वो है प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के उपरांत जिस बिंदु पर काटती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा गया था इंद्रधनुष के रंग के बारे में, तो वो प्रकृति होता है। परिपथ को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो उसका जो आंसर था वो श्रेणी क्रम था। इसी तरह से और भी जो ऊपर के प्रश्न थे ये सब एक एक दो दो नंबर के प्रश्न होते हैं और बिल्कुल वीवीआई होते हैं। इस तरह से अगला प्रश्न था प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में क्या अंतर है, तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे दो टेबल बनाया गया आपको इसी तरह से करना है, एक तरफ आपको प्रत्यावर्ती धारा लिखना है, दूसरी तरफ दिश धारा लिखना है, उसके बाद आपको अंतर लिखना है। धारा का मान शून्य एवं एक, धारा का मान शून्य एवं उच्च मान के बीच बदलता है जबकि दिश धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। अगली जो आपके अंतर होता है वो होता है धारा का मान एवं दिशा बदलता है, और यहाँ पे क्या होता है धारा के मान और दिशा जिस धारा में नहीं बदलता है। इस तरह से जो भी अभी प्रश्न है सारे इसके अंदर संगलित है, जो कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से है और बिल्कुल डायग्राम बना के दिया गया। और आप यहाँ पे देख पा रहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो ऊपर दिए हुए थे, ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए इसके भी नीचे उत्तर है। जैसे ये देखिए, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। ऑप्शन आपके दिए हुए पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तियों में, छाल में या इनमें से सभी।
तो इन प्रश्नों का भी जो उत्तर है वो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाता है। ये पूरा वीवी मॉडल पेपर है जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% गारंटी है कि इनमें से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस जो प्रश्न पत्र है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे देखिएगा एक ऐसे पट्टी बन के आ रही होगी, वहां पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पे आप पहले क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखिएगा जहां पे इस वीडियो का टाइटल आ रहा होगा वहां पे इस तरह का निशान बन रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं एक सेकेंड आप होल्ड रखिए, मैं आपको दिखा। देखिए आप हमारा वीडियो देख पा रहे हो तो वीडियो के ठीक नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होता है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा काम करना है, उसका दूसरा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ये इस तरह से एक पट्टी खुल जाएगी, फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलता है, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलता है जो कि जिस पे आप क्लिक करने के बाद आप हमारे वेबसाइट पे आ जाएंगे, वहां से आप ये प्रश्न जो देख रहे थे इसको आप कर लेंगे डाउनलोड। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।